Hello everyone, my name is Nilanshi Trivedi and today I would like to tell you about the life cycle of sugar cane leafhopper. So here I have prepared some slides. So I'm going to share my slides with you. So these are my slides. So first, what we should know about the distribution of sugarcane leaf hopper. तो शुगर केन लीफ होपर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मतलब ये कहाँ पर मिलते हैं इन जनरल, और जो है ये क्या है शुगर केन लीफ होपर की अगर बात करते हैं तो शुगर केन लीफ होपर जो है एक तरीके का पेस्ट है शुगर केन जिसका जो है आप कह सकते हैं मेन फूड है। मतलब ये जो शुगर केन जो गन्ने के प्लांट्स होते हैं उन पर जो है ये अपने आप को स्टिक कर लेते हैं और उनसे जो है प्लांट्स से न्यूट्रिशन टेक अप करते हैं, और जो प्लांट की ग्रोथ है या आप कह सकते हैं कि जो शुगर का कंटेंट होता है प्लांट में उसको जो है रिटार्ड करते हैं, उसमें जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसको ये जो है आपका डिक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से जो शुगर केन है उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत डाउन हो जाती है। तो ये बहुत ही हार्मफुल कह सकते हैं आप पेस्ट है फॉर द क्रॉप ऑफ शुगर केन, और जो है इसके अलावा भी कई सारी क्रॉप्स पर ये जो है अपना इफ़ेक्ट डालते हैं। तो क्या हो सकते हैं ये शुगर केन और ये कहाँ जो है इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ कहाँ ये जनरली आपको देखने को मिलते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है कि द शुगर केन लीफ होपर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पायरेला परपुसेला भी आप इसको बोल सकते हैं, पायरेला परपुसेला वॉकर करके इसका फुल नेम होता है, और इट इज़ कॉमनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इंडिया। थ्रू आउट इंडिया आपको देखने को मिल जाते हैं ये पायरेला परपुसेला, या जिनको हम लोग शुगर केन लीफ होपर बोल रहे हैं। द ग्रेट लॉस ड्यू टू दिस पेस्ट हैज़ बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। इन उत्तर प्रदेश द पेस्ट कॉजेज सीवियर डैमेज इन मेरठ, मुजफ्फरनगर एंड सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट। मतलब जो है कुछ स्पेसिफिक जगहों के बारे में बताया गया है कि इन जनरल अगर इंडिया की बात करें तो कौन कौन से ऐसे जो है स्टेट्स हैं जिनमें ज़्यादा इसका आप कह सकते हैं देखने को मिलते हैं ये, तो उत्तर प्रदेश हो गया आपका, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सारे जो आपके स्टेट्स हैं यहाँ पर जो है शुगर केन लीफ होपर जो है काफ़ी अमाउंट में आप कह सकते हैं मिलते हैं। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें जहाँ हम लोग इस समय सिचुएटेड हैं, तो यहाँ पर कौन कौन से ऐसे जगह हैं जहाँ पर आपको ये ज़्यादा मिलेंगे, तो वो क्या हो सकते हैं आपके मेरठ हो गया, आपका मुजफ्फरनगर हो गया, इसके अलावा आपका सहारनपुर जैसे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पर ये जो है काफ़ी सीवियर डैमेज कॉज करता है जो शुगर केन लीफ होपर है वो। तो ये हो गया इसका डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात करते हैं अबाउट द फूड, जो है कि क्या फूड ये इनटेक करते हैं, कौन सा फूड है जिस पर ये अपने आप को स्टेबल रखते हैं, अपने आप कैसे इनटेक करते हैं फूड, किन कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनसे ये फूड को इनटेक करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि सबसे पहला प्लांट यानी कि जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके नाम पर ही इसका नाम शुगर केन लीफ होपर दिया गया है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो शुगर केन है वो इसका मेनली जो है फूड होता है। इसके अलावा कई सारी क्रॉप्स पर डिपेंड कर सकते हैं, जैसे कि क्या हो सकता है जो पायरेला इज़ अ मेजर पेस्ट ऑफ शुगर केन, बट इट इज़ ऑल्सो अटैक मेज, वीट, बार्ली, बाजरा, ओट्स, हाँ, सोगम और सुडान ग्रासेस एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये इन क्रॉप्स पर भी डिपेंड रह सकते हैं। इसके अलावा समटाइम दीज पेस्ट इज फाउंड ऑन द भिंडी, करेला एंड कलीफ्लावर, बट दीज वेजिटेबल्स आर नॉट अल्टरनेटिव होस्ट प्लांट ऑफ पायरेला। तो कभी कभी ये इस तरीके से भिंडी, करेला और कलीफ्लावर प्लांट्स पर भी देखने को मिलते हैं, बट दीज आर नॉट इट्स अल्टरनेटिव्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है आपका इसका फूड हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट द जनरल अपीयरेंस।
कि ये कैसा दिखता है, देखने में किस तरीके, किस कलर का है, क्या आपका शेप हो सकता है। तो यहाँ मैंने इसकी स्ट्रक्चर को आपको दिखाने की कोशिश की है। जो पहला स्ट्रक्चर है ये आपको इसका फुल व्यू दिखाया गया है, और जो दूसरी स्ट्रक्चर है इसमें आपको साइड व्यू दिख रहा है, और इसमें आप प्रॉपरली देख सकते हैं कि एक स्नाउट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होती है, आईज प्रेजेंट हैं, विंग्स प्रेजेंट हैं, और जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं इसके अलावा इसमें जो है इसके जो लेग्स हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और जो लेग्स होंगे वो जॉइंटेड होते हैं। तो इस तरीके से जो है इसकी स्ट्रक्चर होती है, कुछ पेल येलोइश कलर का आप कह सकते हैं जो है इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो द अडल्ट इंसेक्ट इज़ पेल स्ट्रॉ इन कलर, मीन्स स्ट्रॉ इन कलर यानी कि हल्का सा येलोइश कलर आप कह सकते हैं कि इनका होता है, एंड वेरी अट्रैक्टिव, देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव है जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा है। इट्स बॉडी लेंथ इज़ अबाउट 8 to 10 millimeter, ठीक है, लेंथ क्या हो सकती है 8 to 10 millimeter तक हो सकती है। द हेड इज़ प्रोलॉन्ग्ड इंटीरियरली इनटू स्नाउट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, तो जो हेड है वो काफ़ी इलोंगेट हो जाता है, जिसको हम लोग स्नाउट बोल रहे हैं, और यही स्नाउट जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सकिंग ऑफ फूड फ्रॉम द प्लांट, मतलब जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट के जो सैप्स होते हैं उनमें से जो न्यूट्रिशन है उसको टेकअप करने के लिए जो जो ये स्नाउट लाइक स्ट्रक्चर है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। इसी स्नाउट लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू ये फूड जो है अपना टेकअप करते हैं प्लांट्स से। तो ये हो गया इनका जनरल अपीयरेंस स्ट्रक्चर, एंड हैज़ प्रोमिनेंट रेड आई, जो इनकी आईज होती हैं वो कुछ रेडिश कलर की हो सकती हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अगर इसे स्ट्रक्चर में देखें तो कुछ रेडिश शेड में भी आपको दिखाई देंगी यहाँ पर आईज। तो इस तरीके का अपीयरेंस होता है, आगे की तरफ हल्का सा रेडिश स्ट्रक्चर हो सकता है, कह सकते हैं पीछे आप येलोइश स्ट्रक्चर आप इसको बोल सकते हैं। तो ये होता है अ पेयर ऑफ विस्टल ब्राउन एनल प्रोसेस कवर्ड विद वाइट मीली वैक्स, ठीक है, जो आपके एनल प्रोसेसेस हैं पीछे की तरफ जो एनल प्रोसेसेस प्रेजेंट होती हैं उन पर एक कोटिंग होती है वैक्स की आप कह सकते हैं, आर ऑल्सो फाउंड विच हेल्प इन अप एंड डाउनवर्ड एक्टिव मूवमेंट ऑफ द इंसेक्ट, ठीक है, जो कि हेल्प करते हैं आपके अप और डाउन मूवमेंट के लिए, रिस्पॉन्सिबल हैं आपके जो एनल जो प्रोसेसेस प्रेजेंट होती हैं इस पर। इसके बाद हम लोग इसकी लाइफ साइकिल की बात करेंगे, तो लाइफ साइकिल के लिए जो है आप जो इसका जो लाइफ साइकिल है आप कह सकते हैं कि दो स्टेजेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, एक तो एग फॉर्म देखने को मिलेगी, इसके अलावा जो आप एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी दैट इज़ कॉल्ड एज निम्फ, ठीक है, तो जो एग्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं निम्फ्स में, और निम्फ्स जो होते हैं वो फर्दर फोल्ड जो है आप कह सकते हैं कि मोल्टिंग्स होती हैं यहाँ पर, 6-7 मोल्टिंग्स आप कह सकते हैं यहाँ पर देखने को मिलती हैं, और ये थ्रू आउट लाइफ थ्रू आउट जो है आपका ईयर ये जो है रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, तो इनका कोई स्पेसिफिक पीरियड नहीं होता है आप कह सकते हैं, तो इस तरीके से आपका होगा। अगर जो है पूरी स्ट्रक्चर देखेंगे तो लाइफ साइकिल में आपको एग्स देखने को मिलेंगे, देन निम्स आते हैं, और निम्स के बाद जो है ये मोल्टिंग्स होती हैं, और मोल्टिंग परफॉर्म करने के बाद ये अडल्ट जो आपका शुगर केन लीफ होपर है उसमें ये कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर अगेन ये लाइफ साइकिल अपनी रन करते हैं। तो इस तरीके से ये थ्रू आउट द ईयर जो है इनका ब्रीडिंग पीरियड होता है, ये पूरे साल ब्रीडिंग परफॉर्म कर सकते हैं, तो आप इसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो कि कौन से जो एग्स हैं वो कौन सी जो है टाइम पीरियड पर जो है जनरेट हुए हैं, या इस तरीके से आप टाइम को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। तो इट ब्रीड्स थ्रू आउट द ईयर, ये पूरे साल जो है ब्रीडिंग करते हैं। द फीमेल लेज एग्स इन क्लस्टर्स, ठीक है, 300 to 500 एग्स ऑन द लोअर सर्फेस ऑफ द लीफ ड्यूरिंग द समर इन अप्रैल, एंड इनसाइड द लीफ शीथ ड्यूरिंग द विंटर अक्टूबर टू नवंबर, मतलब जो है जो ब्रीडिंग पीरियड है वो तो पूरा साल भर है, बट जब गर्मियों का सीज़न होता है यानी कि अप्रैल का मंथ होता है तो ये जो है आप कह सकते हैं कि क्लस्टर में जो है एग्स ले किए जाते हैं, और जो क्लस्टर होगा वो उसमें 300 से 500 एग्स तक हो सकते हैं, तो जो है बट
जो समर रीजन होता है तो उसमें लीफ के नीचे आप कह सकते हैं जो लीफ है उसके ठीक नीचे यहाँ पर एग्स को ले किया जाता है, स्टिक कर दिया जाता है लीफ पर और एक रोज़ फॉर्म की जाती है, इस तरीके से क्लस्टर बनाई जाती, क्लस्टर उसको बनाया जाता है तो इस तरीके से जो है। और जब सर्दी का टाइम होता है लाइक अक्टूबर नवंबर, तो ये जो सरफेस होती है जो है वहाँ पर लीफ की जो सरफेस होती है उस सरफेस पर जो है ये एग ले करते हैं। दीज द एग्स आर ओवल, जो एग्स होंगे वो ओवल होते हैं, शाइनी होते हैं एंड पेल वाइट और ग्रीनिश इन कलर, ठीक है, वाइट हो सकते हैं या ग्रीनिश कलर में जो एग्स जो है हो सकते हैं। दे आर कवर्ड बाई अ वाइट फिलामेंटस मटेरियल सिक्रीटेड बाई द एनल टफ्ट ऑफ द फीमेल्स, ठीक है, तो फीमेल्स के एनल टफ्ट से एक वाइट मटेरियल रिलीज़ किया जाता है जो कि एग्स के ऊपर जो है लगा दिया जाता है, जिससे कि आप कह सकते हो कि एक तरीके से इसके प्रोटेक्शन के लिए वर्क करता है। तो ये हो गया। अब यहाँ मैंने ये आपको स्ट्रक्चर जो दिखाई हुई है, ये मैंने यहाँ पर एग्स की स्ट्रक्चर आपको दिखाने की कोशिश करी है, आप यहाँ पर देखिए। तो इस तरीके से जो है एग्स रोज़ में जो है दिए जाते हैं और क्लस्टर इस तरीके से फॉर्म किए जाते हैं। तो ये जो क्लस्टर्स हो सकते हैं इनमें 300 से 500 एग्स तक प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके अलावा आप ये जो शॉर्ट छोटा सा स्ट्रक्चर देखिए, आप वाइटिश कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है, ये एग्स से डेवलपमेंट होने के बाद है, ठीक है, और जब ये और फर्दर डेवलप करेगा देन ये निम्फ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। वाइटिश कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये मैं यहाँ पर दिखाती हूँ, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको ये वाली, ये इसकी डेवलप्ड फॉर्म है, मतलब जब एग से ये डेवलप होगा तो इस तरीके की फॉर्म में आएगा। और ये जो स्ट्रक्चर है ये निम्फ का स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो निम्फ का स्ट्रक्चर मैंने बगल में भी दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये है निम्फ। तो अगर आप निम्फ की स्ट्रक्चर देखेंगे तो पीछे की तरफ जो है आपको एनल जो है दो लोब्स, लॉन्ग लोब्स यहाँ पर दिखाई देते हैं, ये भी कुछ पेल येलोइश कलर की स्ट्रक्चर होती है। और ये जो है आफ्टर डेवलपमेंट, आफ्टर द मोल्टिंग्स ये जो स्ट्रक्चर डेवलप होगी इसे हम लोग बोलते हैं निम्फ। तो यहाँ पर इस तरीके से क्लस्टर फॉर्म में फॉर्म किए जाते हैं लीव्स पर, ठीक है। इसके अलावा जो है आपने निम्फ का स्ट्रक्चर देखा, इसके बाद द क्लस्टर ऑफ द एग्स इज़ अरेंज्ड इन 3 to 5 लॉन्गिट्यूडनल रोज, 3 से 5 लॉन्गिट्यूडनल रोज में क्लस्टर दिए जाते हैं कंटेनिंग 30 to 50 एग्स ईच, हर एक रो में 30 से 50 एग्स तक हो सकते हैं। द एग्स आर हैश्ड इन टू निम्फ आफ्टर 7 to 22 डेज ऑफ लेइंग इन समर, बट इन विंटर द हैचिंग पीरियड इंक्रीजेज, ठीक है, तो 7 से 22 दिनों के अंदर ये जो एग्स हैं कन्वर्ट हो जाते हैं निम्फ्स में, बट विंटर सीजन में ये पीरियड थोड़ा सा इलॉन्गेट कर सकता है, बढ़ सकता है। द निम्फ्स आर डर्टी वाइट इन कलर, डर्टली वाइट कलर या येलोइश कलर आप बोल सकते हो, ठीक है, कलर, एंड आर प्रोवाइडेड विद अ पेयर ऑफ एनल टफ, ठीक है, ऑफ 1 millimeter। तो जो निम्फ होंगे उसमें पीछे की तरफ दो पेयर आप यहाँ पर स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, दो पेयर एनल टफ्ट इन्हीं को बोलते हैं हम लोग। ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रही हैं, ये जो दो लॉन्ग स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं, दीज आर द एनल टफ्ट ऑफ निम्फ। तो ये जो एनल टफ्ट होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं, ये 1 millimeter तक लॉन्ग हो सकते हैं, जो एनल टफ्ट है इनकी लंबाई की बात की जा रही है। देन निम्फ स्टार्ट टू सक द सेल सैप ऑफ द लीफ, ठीक है, ये जो निम्फ होते हैं ये जो सेल सैप्स होती हैं लीफ पर उनसे जो है न्यूट्रिशन टेकअप करने का काम करते हैं, उसको सक करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से निम्फ का स्ट्रक्चर आप जान गए हैं। आफ्टर 5 moltings के बाद में द निम्फ्स आर चेंज्ड इनटू द इमेजिन्स एंड दिस टेक्स अबाउट 6 to 8 weeks इन समर एंड अबाउट 4 months इन विंटर, ठीक है। तो ये निम्फ जो होंगे ये आगे चल करके कन्वर्ट हो जाते हैं इमेजिन्स में आफ्टर द 5 moltings, ठीक है, और 6 से 8 weeks लगता है आप कह सकते हैं समर सीजन में इनको निम्फ से जो है इमेजिन्स बनने में, और जो है विंटर पीरियड जो होता है विंटर में इनको 4 months तक भी ये लग सकता है, मतलब यहाँ पर निम्फ में भी
फर्दर मोल्टिंग्स होती हैं, कम से कम 5 मोल्टिंग्स के बाद ये निम्फ कन्वर्ट हो जाते हैं इमेजिन्स में, और इमेजिन्स जो होते हैं वो अगेन कन्वर्ट हो जाते हैं एडल्ट्स में. तो इस तरीके से जो है स्ट्रक्चर, यहाँ पर स्ट्रक्चर भी आपको दिखाई जा रही है कि किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है निम्फ का, किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है एडल्ट का. तो यहाँ एग्स की भी स्ट्रक्चर आपको दिखाई जा रही है, इस तरीके से लीफ पर एग ले किए जाते हैं इन अ रो. ठीक है, इसके बाद जो निम्फ है, जो एग्स होते हैं वो मोल्टिंग्स के बाद में कन्वर्ट होते हैं निम्फ्स में. तो निम्फ्स की स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये भी प्रोलॉन्ग्ड जो है बीक लाइक स्ट्रक्चर या स्नाउट लाइक स्ट्रक्चर आप जिसको बोल सकते हैं, ये प्रेजेंट होती है यहाँ पर. यही रिस्पॉन्सिबल होती है सकिंग के लिए. इसके बाद जो है आपको आपको पीछे ट्रंक वाला रीजन दिख रहा है, इसके पीछे जो है जो अभी एनल टफ्ट की बात की तो वो 2 एनल टफ्ट यहाँ पर प्रेजेंट है, इस जगह पर आप देख सकते हैं. इसके अलावा ये आपके जो इसके लेग्स आप कह सकते हैं कि लेग्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि कैसे होते हैं, जॉइंटेड होते हैं. तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होगी. इसके बाद अगर एडल्ट की स्ट्रक्चर देखेंगे तो इनमें इस तरीके से जो एनल टफ्ट है वो जो है रिड्यूस हो जाते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है इस तरीके से. यहाँ पर विंग्स डेवलपमेंट हो जाएगा और इस तरीके से प्रोमिनेंट स्नाउट भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि फूड की सकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होगी. इसके बाद यहाँ मैंने दोनों निम्फ और जो एडल्ट है उसकी स्ट्रक्चर को कंपेयर कराने के लिए स्ट्रक्चर आपको दिखाई हुई है कि दोनों के शेप और साइज़ में क्या डिफरेंस होता है, दोनों के कलर में क्या डिफरेंस होता है. तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस स्ट्रक्चर में जो एडल्ट होते हैं वो पेल येलोइश कलर के होते हैं, जबकि जो निम्फ होते हैं वो डर्टी वाइटिश कलर के होते हैं. तो इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है. जो निम्फ होंगे वो स्मॉल होते हैं बट इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट हैं दैट इज़ कॉल्ड एज एनल टफ्ट. ये एनल टफ्ट प्रेजेंट होती है यहाँ पर. इसके अलावा जो आपके अडल्ट हैं यहाँ आप देखेंगे तो एनल टफ्ट यहाँ पर ना प्रेजेंट होकर के यहाँ पर जो विंग्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रही हैं निम्फ जो है आपके जो एडल्ट हैं इनमें, और ये आपके पेल येलोइश कलर की स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं. अब बात करते हैं लाइफ साइकिल की. तो अभी मैंने आपको बताया कि जो निम्फ जो आपके एडल्ट होंगे वो फर्टिलाइजेशन करेंगे, एग डेवलप करेंगे. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एडल्ट जो हैं वो फर्टिलाइजेशन करते हैं और एग्स डेवलप करते हैं, और जो एग्स होंगे वो ग्रीनिश कलर के हो सकते हैं. देन यहाँ पर ये एग्स कन्वर्ट होते हैं आफ्टर द मोल्टिंग्स, ये निम्फ्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो ये निम्फ का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर. और निम्फ्स जो है सेवरल स्टेजेस ऑफ निम्फल इंस्टार, मतलब काफ़ी मोल्टिंग्स के बाद में ये निम्फ स्टार जो है एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये लाइफ साइकिल होती है. द लाइफ स्पैन ऑफ द एडल्ट मेल इज़ 5 to 7 वीक्स. ठीक है, तो एडल्ट मेल और फीमेल्स अलग अलग होते हैं यहाँ पर. तो जो मेल्स होंगे उनका लाइफ स्पैन कितना हो सकता है, 5 to 7 वीक्स का होता है. एंड दैट ऑफ द फीमेल इज़ अबाउट 5 to 8 वीक्स, और फीमेल्स का जो है 5 to 8 वीक्स तक हो सकता है. इन मॉनसून सीजन द होल लाइफ साइकिल इज़ कम्प्लीटेड इन 40 to 60 डेज ओनली. ठीक है, तो मॉनसून पीरियड में 40 to 60 दिन में ये लाइफ साइकिल कम्प्लीट कर लेते हैं. इट इज़ रिकॉर्डेड दैट 4 ओवरलैपिंग जनरेशन ऑफ पायरेला अकर इन अ ईयर. ठीक है, मतलब ये नोट किया गया है कि 4 जनरेशन्स एक साल में देखने को मिलती हैं जो पायरेला है उसमें. ठीक है, एंड इट्स डिफ़िकल्ट टू से एज टू व्हेन वन जनरेशन इज स्टार्टेड एंड कम्प्लीटेड. ठीक है, कब स्टार्ट हुई कब कम्प्लीट हुई ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट 4 जनरेशन ये एक साल में कम्प्लीट कर लेते हैं. द एक्चुअल पीरियड्स recorded for the egg laying of 1st, 2nd, 3rd, and 4th generation are April, June, August, November and December respectively. मतलब पहली जनरेशन जो होती है उसके जो एग्स ले किए जाते हैं वो अप्रैल में, दूसरी जनरेशन के जून में, तीसरी जनरेशन के अगस्त में, और चौथी जो जनरेशन होगी उसके जो एग्स ले किए जाते हैं वो नवंबर टू दिसंबर में इस तरीके से एग्स ले किए जाते हैं. इसके बाद हम लोग इसके डैमेज की बात कर लेते हैं कि क्या डैमेज कॉज करता है ये. तो बोथ निम्फ एंड एडल्ट सक द सेल सैप
of succulent leaves of sugarcane by their rostrum. तो जो इसका rostrum है, जो snout like structure थी, उसी के through जो है ये suck करने का काम करते हैं, जो sap, cell saps होते हैं उनसे जो food material है उसको suck करने का काम करते हैं, जो succulent leaves होती हैं. Succulent leaves जो होती हैं, जो आप कह सकते हैं थोड़ी सी मांसल, आप कह सकते हैं थोड़ी सी thick leaves होती हैं, जिनमें जो है न्यूट्रिशन काफ़ी अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होता है, वाटर कंटेंट काफ़ी अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होता है. तो उन लीव्स पर ये जा करके अटैक करते हैं और उनके सेल सैप्स से जो है न्यूट्रिशन को टेकअप करते हैं. तो इस तरीके से होता है सकलेंट लीव्स ऑफ शुगर केन बाय देयर रोस्टर. एज अ रिजल्ट द लीव्स टर्न पेल येलो एंड ड्राई अप, जिसकी वजह से क्या हो जाती हैं लीव्स पेल येलो कलर की और ड्राइड हो जाती हैं. दे सेक्रीट अ स्वीट स्टिकी ट्रांसपेरेंट लिक्विड नोन एज हनी ड्यू विच अट्रैक्ट्स द हार्मफुल फंजाई रिजल्टिंग इन अ गुड ग्रोथ ऑफ ब्लैक सूटी मल्ट ड्यू टू विच द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज रिटार्डेड थेरबाय लॉस इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द फूड बाय द शुगर केन प्लांट. तो इस तरीके से एक जो है सब्सटेंस ये अपनी बॉडी से रिलीज़ करते हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं जो कैसा होता है, स्टिकी और ट्रांसपेरेंट कलर का होता है, लिक्विडी फॉर्म में होता है, इसे हम लोग हनी ड्यू भी बोलते हैं. तो ये सब्सटेंस जो होता है वो थोड़ा सा मीठा होता है, जो कि अट्रैक्ट करता है कुछ फंजाई और जो अदर पेस्ट होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे कि जो प्लांट की ग्रोथ है वो रिटार्ड कर जाती है. आप कह सकते हैं जो फोटोसिंथेसिस होती है वो रिटार्ड हो जाती है, और फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होगी तो फूड का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता है, और जो प्लांट होगा उसमें क्या हो जाएगा, रिटार्डनेस आ जाएगी, मतलब वो जो है उसमें फूड प्रॉपर नहीं डेवलप हो पाएगा. तो इस तरीके से उसकी ग्रोथ भी रिटार्ड हो जाएगी और जो प्लांट्स होंगे वो कुछ येलोइश हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रही है. इस वजह से जो ऐसे जो प्लांट्स होंगे जो इन पेस्ट से इन्फेक्टेड होते हैं वो कैसे हो जाएंगे, येलोइश इन कलर हो जाते हैं, ठीक है. और जो शुगर कंटेंट है वो भी यहाँ पर प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रॉपरली फोटोसिंथेसिस यहाँ पर नहीं कराई जा पा रही है. तो इसलिए जो है जो शुक्रोज है, जो मेन कंटेंट होता है शुगर, जिस जो प्लांट में होती है शुक्रोज के फॉर्म में होती है, तो शुक्रोज का डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो शुगर कंटेंट है शुगर केन में वो भी कम हो जाता है. तो इस तरीके से जो है होता है देयर बाय लॉस इन मैन्युफैक्चर ऑफ द फूड बाय द शुगर केन प्लांट बिकॉज ऑफ द अटैक ऑफ दिस पेस्ट द क्वालिटी एंड द क्वान्टिटी ऑफ शुगर केन इज़ अफेक्टेड. तो क्वालिटी और क्वान्टिटी ऑब्वियसली बात है उस पर इफेक्ट आएगा, ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रही है, प्रॉपर फूड नहीं डेवलप हो पा रहा है, तो शुगर कंटेंट भी यहाँ पर डेवलप नहीं हो पाता है, ठीक है. द परसेंट डिक्रीज ऑफ सुक्रोज कंटेंट हैज़ बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम 2 to 5 एंड द टोटल टोटल रिडक्शन ऑफ द शुगर हैज़ बीन नोटिस्ड टू बी अबाउट 35%. तो इस तरीके से इतना लॉस जो है शुगर का यहाँ पर देखने को मिलता है. तो इस तरीके से ये डैमेज हो गया. इसके बाद हम लोग इसकी बात करते हैं अबाउट द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, तो कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे हम जो है इसके इन्फेक्शन से बच सकते हैं. तो कुछ यहाँ पर केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, जिनसे कि जिनके स्प्रे से जो है आप जो है शुगर केन लीफ ओपर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसके इन्फेक्शन से आप अपनी क्रॉप को बचा सकते हैं. तो क्या आपके जो है केमिकल्स हो सकते हैं, तो द एग्स मैशेस शुड बी कलेक्टेड एंड डिस्ट्रॉयड बाय बर्निंग, ठीक है, बरिंग और स्प्रेइंग फिनाइल वाटर, ठीक है. तो इस तरीके से जो फिनाइल वाटर है उसका स्प्रे किया जा सकता है, ठीक है. द क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन शुड बी वेल बैलेंस्ड इन द सॉइल, ठीक है, सॉइल में नाइट्रोजन का परसेंटेज काफ़ी अच्छा होना चाहिए. द रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ शुगर केन शुड बी टेकन, जैसे कि एग्जांपल में CO385, ये एक रेजिस्टेंट वैरायटी है इस पेस्ट के लिए, तो इस तरीके की वैरायटीज को यूज़ करना चाहिए. रैटून कार्प्स क्रॉप्स शुड बी अवॉइडेड. रैटून क्रॉप्स क्या होते हैं, जब हम नीचे से कोई क्रॉप उग रही है उसको कट कर देते हैं और वो फर्दर जो है अराइज कर जाती है, तो इस तरीके की जो क्रॉपिंग होती है जो है उसको हम लोगों को रोकना होता है. मतलब रैटून क्रॉपिंग नहीं करनी है आपको, आप नया प्लांट लगाइए और उसको फर्दर ग्रो कराइए. तो इस तरीके की जो
चीज़ें हैं आपको करनी चाहिए, रैटन क्रॉपिंग आपको नहीं करनी चाहिए. द स्प्रे ऑफ 0.25% इंडो सल्फेन और 0.025% फेनिट्रोथायोन is much effective. तो इस तरीके से इनका स्प्रे किया जा सकता है. द डस्टिंग ऑफ इन्फेक्टेड क्रॉप बाई 5-10% BHC. तो इस तरीके से BHC का यूज़ कर सकते हैं. डस्ट फ्रॉम सेप्टेम्बर ऑनवर्ड्स इज ऑल्सो वेरी मच इफेक्टिव. द स्प्रेइंग ऑफ 0.12% टू 0.25% वेजिटेबल पाउडर ऑफ एग्रोसाइड एट द रेट ऑफ 30-60 गैलन पर एकर इज़ क्वाइट इफेक्टिव. तो इस तरीके से आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं. द स्प्रेइंग ऑफ 0.01% एड्रिन एमल्शन एट द रेट ऑफ 5 लीटर पर एकर और 0.25-0.35 लीटर एड्रिन ऑफ YBHC मिक्सड विथ 10 लीटर कैरोसिन ऑयल शुड बी फॉग्ड ऑन क्रॉप्स. तो इस तरीके से कुछ केमिकल्स का यूज़ करके आप जो है इस पेस्ट को जो है आप डिस्कार्ड कर सकते हैं क्रॉप से. तो इस तरीके से इन्फेक्शन से बचा जा सकता है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.